इस सिचुएशन में डॉग को लेकर ट्रैवल करने में रेलवे का कोई नया गाइडलाइन है या क्या प्रोसीजर है अपना बुकिंग को कंटिन्यू करने के लिए? हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। टुडे इज 28th of August, फ्राइडे। थोड़ा सा सरप्राइज तो आप सब हो। चलो आपको सरप्राइज करते करते पीछे में खुद सरप्राइज हो गया। क्या हुआ सर? आपके मन में बहुत सारा सवाल आ रहा है कि हम क्यों ट्रेन में हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, और अचानक से ऐसे कैसे हो गया। पता है बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहा है, सबका जवाब दिया जाएगा धीरे धीरे। तो पहले आपको वेलकम कर लेती हूँ, कैसे हो आप सब? एंड से हाय टू फ्लरी एंड कियारा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम कहीं जाएं और फ्लरी और कियारा ना जाएं। तो हम जा कहाँ रहे हैं? अब जा कहाँ सकते हैं? घर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कलकत्ता। बहुत डीप थिंकिंग के बाद ये डिसीजन हमने फाइनली लिया कि हम कलकत्ता जाएंगे और ट्रेन में जाएंगे ताकि फ्लरी कियारा हमारे साथ जा पाए। और जैसे आप देख सकते हैं इस बार हमने कूपे नहीं कैबिन बुक किया है। ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस बहुत सारा सैनिटाइजेशन की चीज़ें कैरी करना पड़ रहा है। अभी ट्रेन में लिनेंस, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कार्टन्स कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और खाना भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो खाने के लिए भी एक अलग सा बैग है। फिर कुछ रेडी टू ईट फूड भी है। वी आर हैप्पी एंड वी आर टेंस्ड एज वेल, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग जर्नी है। और ऑफ कोर्स आप कितना भी प्रिकॉशन ले लो, जैसे कि हम घर से यहाँ तक पूरा पीपीई किट पहन के आए हैं और यहाँ भी हम जब भी वॉशरूम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एकदम शू कवर सब कुछ पहन के जा रहे हैं। वो तो आपको मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी ब्लॉग जितना आगे बढ़ेगा, बट हाँ थोड़ा सा तो टेंस्ड हूँ कि इतना लॉन्ग जर्नी है, बट जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे अगर फैमिली के साथ नहीं रह सकती हूँ तो कब रहूँगी। बहुत दिन हो गए कि हमारे मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हैं और अभी लगता है कि उनको सच में कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। अब देखते हैं, अब भगवान से यही प्रे करती हूँ कि हम सब सेफ रहे, अच्छे से पहुँच जाए और मेरे बच्चे अच्छे से पहुँच जाए। 7:51 इज़ द टाइम और हम कर लेंगे डिनर, क्योंकि डिनर सुबह बना के लाई हूँ और कब तक वो अच्छा रहेगा पता नहीं, तो इसलिए जल्दी जल्दी खा लेंगे। मैंने शाम को ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि सुबह ट्रेन में चढ़ने के बाद ये सब कुछ सफाई वफाई करके फिर दीपांजन ब्लॉग कर रहा था सुबह, तो मुझे लगा कि मैंने तो बहुत बार ऐसे शुरू से ब्लॉग किया है तो आज क्यों ना शाम से ब्लॉग स्टार्ट करूँ। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस सिचुएशन में डॉग को लेकर ट्रैवल करने में रेलवे का कोई नया गाइडलाइन है या क्या प्रोसीजर है अपना बुकिंग को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, जब तक थोड़ा सा फ्रेश होकर डिनर लेके बैठती हूँ तब तक आप लोग एक हफ्ता बैक में चले जाइए और जाके मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके रखी हूँ कि क्या क्या प्रोसेस हमने इस बार फॉलो किया ताकि हम आराम से हैसल फ्री जर्नी इन दोनों मंचकिंस के साथ कर पाए। हेलो, गुड मॉर्निंग, टुडे इज 24th एंड आज हमारे जाने के एग्जैक्टली और ट्रैवल करने के 4 डेज बाकी है, तो हम फ्लरी कियारा को लेके जा रहे हैं एज यूजुअल वेट के पास फॉर अ थॉरो चेकअप। कियारा का जो प्रोसीजर हुआ था वो जगह भी एक बार चेक करवा लेंगे, वो अच्छे से हीलिंग हुआ है कि नहीं वेट से कंफर्म कर लेंगे, और फ्लरी का भी एक थॉरो चेकअप करवा लेंगे। कुछ दिन पहले ही हुआ था बट फिर भी जाने से पहले एक बार ये ज़रूरी है और उसके बाद ही वेट विल बी एबल टू प्रोवाइड अस विद द फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट। तो फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट जर्नी के जितना करीब हो सके उस डेट में आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आज 24th को हम जा रहे हैं तो सर्टिफिकेट हम शायद वेंसडे या थर्सडे को कलेक्ट करेंगे, दैट इज ईदर ऑन 26th और 27th, और हम ट्रैवल कर रहे हैं 28th को, तो एकदम लेटेस्ट डेट पे वो सर्टिफिकेट रहेगा। यही गाइडलाइन है रेलवे के। अब बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि वो लोग उतने डेट्स या वो चेक नहीं करते, फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट चेक करते, बट हम ये पकड़ के नहीं चलेंगे कि वो चेक नहीं करेंगे, हम यही पकड़ के चलेंगे कि वो लोग सब कुछ चेक करेंगे और जो गाइडलाइन है उसी हिसाब से हम सारे पेपर वर्क ठीक ठाक से रखेंगे, दैट टू स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम दिस सिचुएशन। कब हमें फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट मिलता है उस बारे में भी आपको अपडेट करती हूँ।
तो हम पहुंच गए हैं डॉक्टर पंपावत की क्लिनिक और दीपांजन गया है रिसेप्शन में बात करने कि और कितना टाइम लगेगा, तब तक हम कार में ही वेट करेंगे, अभी अंदर किसी को वेट नहीं करने दे रहे हैं। तो ये दोनों मेरे दिमाग खराब कर रहे हैं, जब तक अभी हम कार से उतरेंगे नहीं मेरे दिमाग खराब कर देंगे। द चेकअप इज डन, सब कुछ ठीक ही है। फ्लरी की आँखों में जो इन्फेक्शन विच कीप्स ऑन रिकरिंग, उसके लिए बस एक जेल डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, तो अगर हमें फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो हम ले भी सकते हैं दुकान से। और एक ट्यूब हम ऑलरेडी अपने साथ कैरी कर रहे हैं, और ट्रैवलिंग के टाइम अगर कुछ मेडिकेशन देना है दोनों को काम रखने के लिए, ऐसे फ्लरी हमारी काम ही है, कियारा को लेके थोड़ा चिंता है, वो सब के लिए भी जो भी मेडिकेशन चाहिए वो दिया है। और फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट आज ही रेडी हो जाएगा और वो हमें कल मिल जाएगा। टू डेज़ टू गो बेसिकली, 20th of August वी आर ट्रैवलिंग। तो आज मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे वी हैड टू सबमिट द एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। तो मैंने फेशियल पहना हुआ था एंड देन आई वॉज वेयरिंग मास्क ग्लव्स। तभी घर चलते हैं, अच्छा लग रहा है अभी। और ये है आज का डिनर, बहुत अच्छा बना। तो ये चिकन नूडल्स मैं घर से ही बना के लाई हूँ, दोनों की मेहनत है। दीपांजन ने कट करके हेल्प कर दिया था वेजीज। फ्लरी कियारा ने लास्ट ट्रेन में चढ़ने के बाद खाना खाए है अराउंड 4:30, तो उनको आज थोड़ा लेट खाना खिला के एकदम सुला देंगे। देखते रहिए आप लोग, आज तो ये ब्लॉग चलता रहेगा, तो आपके साथ इसके आगे जो भी होता है शेयर करती हूँ। डिनर इज डन और अभी हम पी रहे हैं चाय, रात के 9 बजे सोने से पहले हम पी रहे हैं चाय। एसी काफ़ी चिल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा देर मैं एसी में रहती हूँ तो मेरे गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ। और अभी गले में दर्द होता तो दूसरा ही डर लगता है। फ्लरी है दीपांजन के पास और क्यू बिजी है एक्सप्लोर करने में, कुछ भी बाहर से नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हॉट बेवरेजेस कोल्ड बेवरेजेस मिल रहे हैं, बट हम बाहर से नहीं ले रहे हैं, हम सब कुछ साथ में लेके आए हैं। आप अगर हमारे बंगाली चैनल फॉलो करते हो ब्लॉग पूरी भालोबेशी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ऐसे सुंदर एकदम पक्का कलर आया है मिल्क टी का, तो वो कैसे बना के पी रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम लाए हैं, क्या क्या सामान लाए हैं। बहुत रिफ्रेशिंग ये चाय। एक्चुअली हम इतना टायर्ड हो गए हैं, इतना थक गए हैं प्रिपरेशन अरेंजमेंट और फिर सब कुछ अच्छे से होगा कि नहीं, क्योंकि हमने बहुत जल्दी में सारे अरेंजमेंट किया है। और एक ऐसा टाइम है कि आप कुछ मिस नहीं कर सकते, दो कपड़े मिस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बाकी का जो ज़रूरत का सामान है वो आप नहीं मिस कर सकते हो। तो ये सब चक्कर में ना मतलब मेंटली मैं ड्रेन फील कर रही हूँ, और अभी लग रहा है जब ट्रेन पर चढ़ गई हूँ जर्नी शुरू हो गई, अभी लग रहा है कि बस अभी बस सो जाओ हाथ पैर फैला के। अभी हमारी फ्लरी कियारा करेगी डिनर और रात को हम उसे दोनों को ही वो कैसेरोल का पपी फार्मूला खिला रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो डाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ही कम है, नहीं है वही बोलना अच्छा रहेगा कि एक्टिविटी है ही नहीं, इसलिए बिल्कुल लाइट खाना। और पहले जैसे आपको पता था कि पैंट्री से हमें बॉयल चिकन फ्रेश मिल जाता था, स्वीट पोटैटो हम लेके आते थे। मेरे जो दो डिटेल्ड ब्लॉग है जर्नी के ऊपर जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हो। तो इस बार तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये और एक चेंज है जो अगर आप इस टाइम पे डॉग को लेकर ट्रैवल करते हो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जितने भी टाइम वो दिन में खाना खाते हैं वो खाना आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। और दिस कैंड फूड कम्स रियली हैंडी ड्यूरिंग दिस जर्नी टाइम। हम बाकी के टाइम भी एक दो कैन साथ में रखते थे कि ट्रेन में खाना मिल भी जाए, बट फिर भी अगर नहीं खाना चाहे तो ये ऑप्शन रहना चाहिए, बट अभी हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये कैरी कर रहे हैं।
Good morning, QQ. Good morning. Good morning, Flaro, Flaro. Why are you so grumpy, Flurry? Why are you always so grumpy? You khabi? You khabi? Ki khabi? Huh? Ki khabi? Khabi? Fishy fishy khabi? गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम खड़े हैं भुवनेश्वर स्टेशन में, जो कि स्केड्यूल टाइम से एक घंटा पहले ट्रेन पहुंच गया है भुवनेश्वर. अभी शायद इसके लिए जो 10 मिनट का वेट था इस प्लेटफॉर्म में, वो शायद एक घंटा होगा. और हम सोच रहे हैं कि जब ट्रेन यहाँ पे खड़ा है इतने देर, तो दोनों को ब्रेकफास्ट करवा लेते हैं. तो जैसे मैं कल बोल रही थी, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडी टू ईट खाना लाए हैं ताकि दोनों बोर ना हो जाए. तो कल रात को दोनों ने खाया था राइस एंड चिकन का वो पपी फार्मूला. आज सुबह हम दे रहे हैं फिश एंड फ्रेश वेजीज. फ्लरी थोड़ी सी ग्रम्पी है, क्योंकि जहाँ तक हमने गेस किया है, द रीज़न इज़ इसी कैबिन में पहले हमारे पहले किसी डॉग ने ट्रैवल किया था, क्योंकि थोड़ा बहुत डॉग हेयर भी हमने देखे थे जब हम उठे थे. तो उसको शायद वो स्मेल आ रहा है और वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है उस वजह से. वरना वो ऐसे नहीं है कि और कोई प्रॉब्लम है. टच फूड खाना खा रही है, सो रही है, सब कुछ ठीक है. बट एक वो खुशी जो होती है ना, जो खेलती है, भागती है दादू के घर जाने के टाइम, वो इस बार ट्रेन में कम है. तो दोनों ने कर लिया है ब्रेकफास्ट. अभी फ्लरी कुछ देर नीचे घूम रही है, क्योंकि इसके बाद मैं दोनों का ही ड्राई वॉश करूंगी. कियारा ने सुबह पॉटी भी कर लिया है. फ्लरी ने अभी तक फ्लरी का पॉटी नहीं हुआ है, सुबह वाला पॉटी. गुड गर्ल. तो हम तो बार बार हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, धो रहे हैं, पर इनके लिए भी ये जरूरी है क्लीन रहना. इस ट्रिप में कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म में हम उतरे नहीं है, ये लोग अंदर ही है. और बट फिर भी मैं थोड़ा सा सेफ्टी के लिए दोनों को एक बार ड्राई बात दे दूंगी. वी हैव गॉट दिस वन नेचुरल रेमेडीज फ्रेश मी अप वाटरलेस फोम क्लेंजर. अमेजोन से मिल गया. और इस फोम क्लेंजर का और जितने भी फूड मैंने दिखाया रेडी टू ईट, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अभी ड्राई टॉवल से अच्छे से इसको वाइप कर रहे हैं. पूरे बॉडी में ही आप इसको यूज कर सकते हो, बट जस्ट बी केयरफुल कि आईज के कॉन्टेक्ट में ना आए. इसलिए मैंने फेस पोर्शन को ही अवॉइड किया, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्यू के लिए भी बिल्कुल नया है. तो मैं इसलिए फेस में यूज ही नहीं किया, सिर्फ बॉडी में. Flurry is feeling nice, huh? Flurry to my pretty girl, huh? Usko saaf rehna bahut pasand hai. Cause you're perfect, you are, don't you get it? You're all I need. I see you hide all the best of your way to be. हे गाइस, गुड आफ्टरनून. तो फिलहाल हम खड़े हैं खड़गपुर स्टेशन पे. खड़े हैं खड़गपुर स्टेशन. हमारी क्यू बड़े ही एक्साइटेड होकर बाहर देख रही है कि क्या है. बट बहुत ही दुख की बात है कि खड़गपुर स्टेशन, खड़गपुर जैसे बड़ा स्टेशन बिल्कुल खाली, एक इंसान नहीं दिख रहे हैं. जल्द से जल्द बस ये सिचुएशन ठीक हो जाए. बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन हम क्रॉस करके आए हैं, जिसको देख के हम दोनों यही बात कर रहे थे कि बिल्कुल डेजर्ट बन गया है. कैसे लग रहा है, एक इंसान नहीं है, एक दुकान खुला नहीं है, मतलब स्टेशन प्लेटफॉर्म्स लग ही नहीं रहे हैं. लग रहा है कि कोई एकदम डेजर्टेड प्लेस में हम खड़े हैं. यहाँ पे हम करेंगे लंच. सुबह हमने खाया था कप नूडल्स, अभी भी वही खा लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है. फ्लरी कह रहा मुझे नहीं लगता कुछ खाएगी, क्योंकि सुबह दोनों ने अच्छे से पेट भर के खाए हैं. उनकी जो खापे हैं, क्योंकि जो खापे हैं, क्योंकि यहाँ से देखने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है उसका. कल एक्चुअली फ्लरी अच्छे से सो नहीं पाई, तो आज फिर भी मैं उसको लेके यहीं पे सो रही थी. दीपांजन कर रहा था एडिट,
ब्लॉग करी भालावेशे के लिए एक बंगाली वीडियो जो जा रहे हैं पहले वो एडिट कर रहा था और मैं यहाँ पे फ्लरी और कियारा को लेके सो रही थी। तो आज फ्लरी ने थोड़ा सा फिर भी एक दो घंटा सोई है ना अच्छे से, क्या बोलते हो? आज सोई है बट उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, शी इज नॉट कंफर्टेबल। आई थिंक शी वांट्स टू गो बैक होम एंड स्लीप पीसफुली व्हिच इज नॉट हैपनिंग, तो उसके लिए थोड़ा वो परेशान है। फ्लरी हमारी फ्लरी, उसको एकदम प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट, जैसे घर जाके आराम से सोना है। तो देखते हैं कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। 4:45 इज द शेड्यूल टाइम, वो तो आपको अपडेट करती रहूँगी, आप लोग देखते रहना। वॉशरूम, आई एम ऑल्सो कैरिंग दिस टॉयलेट सीट, इट्स अ वाटर प्रूफ वन। और भी ज़्यादा सेफ्टी के लिए वी लेडीज कैन यूज दिस ऑल्सो, दिस इज पी बडी। इफ यू सर्च इन अमेजोन यू विल गेट टू नो दैट इसको कैसे यूज करते हैं, दिस इज रियली रियली सेफ। एंड ऑल्सो पूरा पॉट और वॉशरूम के डोर्स टैप सबको डिसइंफेक्ट करने के लिए पी सेफ। तो शू कवर से लेके ग्लव्स जो भी हमने यूज़ किया है सारे डिस्पोजेबल है, क्योंकि ग्लव्स यूज करके आप वॉशरूम में फ्लश नॉब्स, डोर हैंडल, सब कुछ टैप टच करते हो, तो मेक श्योर आप उसको एक बार यूज़ करके फिर फेंक दो उसको और यूज़ मत करो। और हमने कोशिश किया है पीपीई किट से लेके ज़्यादातर ज़्यादा प्लास्टिक ना यूज़ करके वूवन चीज़ यूज़ करने की, और सारी चीज़ें हमने वैसे ही लिया है। बस एक ही चीज़, ये गार्बेज बैग, यही हमें प्लास्टिक का लेना पड़ा, कोई और ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा था इतने बड़े साइज़ में, तो यही हम यूज़ कर रहे हैं। और इसको डिस्पोज करके बंद करके फिर हम बाहर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्लीनिंग स्टाफ है वो लेके जाते हैं, तो इस हिसाब से हम इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं।